नमस्कार दोस्तों, मैं शुभश्री आज आपको भारत का अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब कि वैदिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। भारत का सभ्यता विश्व का एक प्राचीन सभ्यता है, जिस सभ्यता के विज्ञान और प्रौद्योगिक में बहुत आगे था। वैदिक युग में भारत में बहुत बड़े बड़े महान वैज्ञानिक थे। भारत में वैदिक विज्ञान का बहुत बड़ा अवदान है। आइए अब हम उस वैदिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। शून्य का उद्भवन गणित में पहले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे, जिसके वजह से योग वियोग प्रक्रिया व्यवहार करना आसान होता है। शून्य के बिना ही अंक का मूल्य निर्धारण करना असंभव होता है। भारत में गणित में अंक को दशांक टेन सिंबल में डेसिमल सिस्टम में व्यवहार किया जाता है। अरिथमेटिक में डेसिमल सिस्टम का व्यवहार हिसाब करने में सरल होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम पहले वैदिक कला पिंगल चंद्रशास्त्र पुस्तक में उल्लेख किए हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। चक्रभाला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समाधान करने में इस्तेमाल करने में व्यवहार किया जाता है। यह गणित प्रक्रिया 7th सेंचुरी में गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त उद्भवन किए थे, और एक गणितज्ञ जयदेव वाइडर रेंज ऑफ इक्वेशन का समाधान करने का मेथड की खोज किए हैं। यह और एक बार भास्कर द्वितीय के द्वारा बीजगणित का समाधान के लिए भी व्यवहार किया गया है। अब हम अणुविज्ञान के बारे में जानते हैं। भारत प्राचीन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कर्नड अणु यानी कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में जॉन डाल्टन से कई शताब्दी पहले बताए थे। ओहे भी वर्णना किए थे कि अणु स्थिर और गतिशील अवस्था के बारे में भी विस्तारण किए थे। अब हम उस गणित के द्वारा कैसे महाकाश के बारे में जानते हैं, आइए जानते हैं। प्राचीन भारत में गणित का ज्ञान प्रयोग के द्वारा महाकाश में महाजागतिक के बारे में बता सकते थे। आर्यभट्ट अपने आर्यभट्टीय पुस्तक में महाकाश ज्ञान के बारे में लिखे हैं। उससे पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरत्व के बारे में पता चल सकता है। अब हम धातु के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में संस्कृत शब्द आर्य का व्यवहार गया है धातु के लिए। वैदिक युग में तांबा का प्रयोग बहुत सारे काम के लिए किया जाता था, जैसे कि कृषि के लिए, जल शोधन करने के लिए, घर का बर्तन बनाने के लिए और बहुत सारे सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान जैसे जल शोधन के लिए प्यूरिफाई एक्वागार्ड लगाया जाता है, उस समय तांबा का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानते हैं। चिकित्सा विज्ञान में भी प्राचीन भारत बहुत उन्नति किया था। 6th सेंचुरी BC में सुश्रुत संहिता में सरल शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा है। उसमें यह वर्णना किया गया है कि वो कैसे वृक्ष से जड़ी बूटी बना के सारी बीमारी और शल्य चिकित्सा करते थे। शल्य चिकित्सा के लिए यह प्रसिद्ध था। नेत्र चिकित्सा का भी अच्छे से शल्य चिकित्सा किया जाता था। हिप्पोक्रेटस से भी बहुत आगे बहुत साल पहले चरक के द्वारा चरक संहिता प्राचीन भारत के आयुर्वेद विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उस पुस्तक में कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के बारे में लिखे हैं। यह बहुत सारी विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है। यह था भारत का वैदिक विज्ञान के बारे में जानकारी। धन्यवाद।